नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल्स पढ़ा रही थी। उसमें हम जो स्टडी कर रहे किया था, हमने वीबीटी के मेन पॉसुलेट्स स्टडी किए थे, उसके बाद हमने वीबीटी की लिमिटेशंस स्टडी की थी। आज मैं आप लोगों को सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट चल रही है अपनी। इसमें हम पढ़ेंगे सीएफटी, फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन मेटल कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करने के लिए एक दूसरी थ्योरी आई थी, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या कह रही थी कि मेटल्स और लिगेंड्स के बीच ये जो बॉन्ड होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। दोनों थ्योरीज लगभग साथ में ही आई थी, लेकिन पहले वीबीटी थ्योरी को ज्यादा मान्यता मिली थी। क्यों? क्योंकि वीबीटी ने क्या कहा था कि मेटल और लिगेंड्स के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, और इसमें लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है मेटल्स को, मींस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी। और ये जो शेयरिंग होगी, केवल लिगेंड्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह ही बिहेव कर रहा है, ये बात बताई थी। और ये जो शेयरिंग होगी ये मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होती है। ये जो थ्योरी थी ये मेटल कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रही थी, लेकिन इसकी कुछ कुछ ड्रॉबैक्स आना जब शुरू हुई, तब इस सीएफटी थ्योरीज को मान्यता मिलना शुरू हुई। सीएफटी और वीबीटी थ्योरी लगभग साथ में आई थी, लेकिन वीबीटी थ्योरी जो है उसको ज्यादा मान्यता मिली, क्योंकि वीबीटी जो है वो बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को डिफाइन कर रही थी। वीबीटी के अनुसार मेटल और लिगेंड्स के बीच जो बॉन्ड था वो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो कोवलेंट करेक्टर का होता है। जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, सिजविक ने इस बॉन्ड को क्या कहा? कोवलेंट बॉन्ड कहा। अब ये जो बॉन्ड करेक्टर थे ये बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेटिस्फाई हो रहे थे, लेकिन बहुत सारी ड्रॉबैक आई, वीबीटी की लिमिटेशंस आई, और उन लिमिटेशंस के सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए सीएफटी के मेन पोस्टुलेट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो अब सीएफटी के बारे में हम स्टडी करते हैं। सीएफटी क्या कहती है? सीएफटी कहती है कि मेटल्स और लिगेंड्स, मेटल के चारों ओर लिगेंड वैसे ही घिरे हुए रहते हैं जैसे कोई आयनिक क्रिस्टल्स में आयन आयंस के चारों ओर अपोजिट आयन घिरे हुए रहते हैं। मीन्स इन्होंने किसके साथ इसकी तुलना की? आयनिक क्रिस्टल्स के साथ तुलना की, इसीलिए इसको क्या कहा? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्योंकि किसके साथ तुलना की इसकी? आयनिक क्रिस्टल्स। आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में आयनिक सॉलिड्स पढ़े होंगे, उन आयनिक सॉलिड्स में आप क्या कहते हो? आयंस, पॉजिटिव आयंस अपने चारों ओर नेगेटिव आयन से घिरा हुआ रहता है, और नेगेटिव आयंस अपने चारों ओर पॉजिटिव आयन से घिरा हुआ रहता है। उनमें बॉन्ड कैसा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। यहां पे भी सीएफटी ने भी पहला पॉइंट यही कहा कि मेटल्स आयन भी हो सकती हैं या न्यूट्रल। ये सराउंडेड होती हैं बाय लिगेंड्स, लिगेंड्स के चारों ओर घिरी हुई रहती हैं। और दूसरा क्या बोला?
कि मेटल्स और इन लिगेंड्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। मेटल और लिगेंड्स के बीच कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। मेटल एंड लिगेंड्स, द फोर्स बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो मेटल और लिगेंड्स बॉन्ड कैसे हो जाएगा? मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसा होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। लेकिन ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ये 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता, ये पोलर होता है, पोलराइज होता है। मीन्स इसमें आयनिक करेक्टर्स होते हैं, बाकी ये 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता है। जब 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होगा तो देखो, सेंट्रल मेटल के चारों ओर, ये सेंट्रल एटम है, इसके चारों ओर लिगेंड्स भी घिरे हुए रहेंगे, और ये जो लिगेंड्स और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, भाई या तो इनके पास नेगेटिव चार्ज होगा या इनके पास लोन पेयर होगा, उन्हीं को तो हमने लिगेंड कहा। लिगेंड क्या करेंगे? लिगेंड कंटेन नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल्स क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक तो इनके पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, मींस एक फोर्स तो यहां पे आ गया, अट्रैक्शन फोर्स आ गया। अब देखो, लिगेंड जब इनके पास में आएंगे तो इस मेटल के डी ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। भाई मेटल्स के पास भी तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डेफिशिएंसी अलग बात है, लेकिन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इन लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे जैसे ये पास आते जाएंगे, इन मेटल और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगा? रिपल्सन होगा। मेटल के डी ऑर्बिटल्स में और इन लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन शुरू होगा, मीन्स यहां पे अट्रैक्शन फोर्स भी है और ये रिपल्सन भी है इस लिगेंड के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इस लिगेंड के इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको क्या कहा? क्रिस्टल फील्ड। क्या कहा गया? क्रिस्टल फील्ड कहा गया। इस इलेक्ट्रॉन लिगेंड के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है उसको क्या कहा गया? क्रिस्टल फील्ड। इस क्रिस्टल फील्ड के कारण मेटल के डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। इसीलिए इस थ्योरी को क्या कहा गया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा गया। अब ये जो रिपल्सन फोर्स है, ये आयंस, मींस आप ये कहोगे कि भाई आयनिक सॉलिड्स जो बने आपके, जैसे NaCl, ये भी तो आयनिक सॉलिड बना, इसमें भी तो रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन यहां पे ये माना जाता है कि ये 100% आयनिक बॉन्ड बनता है। इनमें 100% आयनिक बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिपल्सन, तो उस रिपल्सन को नेगलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन जब हम बात करें मेटल्स और लिगेंड्स के बीच बनने वाले बॉन्ड की, तो ये जो बॉन्ड होता है ये 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होता, इसमें पोलर करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए ये लिगेंड
और मेटल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता कि इस इनके कारण जो रिपल्सन क्रिएट हो रहा है उसको हम नेगलेक्ट कर सके। तो सीएफटी क्या है? एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है जिसमें ये कहा गया कि मेटल्स जो हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होती हैं और उसके चारों ओर लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। इस मेटल और लिगेंड्स के बीच में दो टाइप के फोर्स होते हैं, मेटल का पॉजिटिव चार्ज और लिगेंड के नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर के बीच अट्रैक्शन फोर्स, और मेटल के डी ऑर्बिटल्स और इन इलेक्ट्रॉन्स के लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन फोर्स। और इस रिपल्सन के कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मेटल के डी ऑर्बिटल्स की जो ये स्प्लिटिंग होती है, इसीलिए ये थ्योरी क्या कहलाती है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। अब हमारे मन में आता है कि अच्छा, ये रिपल्सन्स क्या, इस ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनमें सभी डी ऑर्बिटल्स में सेम रिपल्सन आएगा या इन डी ऑर्बिटल्स में अलग अलग रिपल्सन आएगा? तो अब हम इस डी ऑर्बिटल्स की, सबसे पहले हमें इन डी ऑर्बिटल्स की शेप पता होनी चाहिए। जो डी ऑर्बिटल्स के लोब जो हैं वो इस लिगेंड के जितने पास में होंगे उतना रिपल्सन बढ़ेगा, और इस लिगेंड से जितने दूर होंगे उतना रिपल्सन कम होगा। जब रिपल्सन बढ़ता है तो अनस्टेबिलिटी आती है, और रिपल्सन बढ़ेगा, अनस्टेबिलिटी आएगी तो एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जब रिपल्सन कम होगा मीन्स उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और लोअर एनर्जी के हो जाएंगे। इसीलिए ये डी ऑर्बिटल्स जो स्टार्टिंग में डीजनरेट रहते हैं, जब इनसे लिगेंड दूर रहते हैं तो ये मेटल्स के डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट रहते हैं। जैसे जैसे इन लिगेंड्स को मेटल के पास में लाया जाता है, इनके बीच में इंटर अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है, उसी के साथ रिपल्सन होना शुरू हो जाता है। और ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये अलग अलग रिपल्सन्स का फोर्स अलग अलग एक्सटेंड करते हैं, इसलिए ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये डीजनरेट हो जा ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं जो डीजनरेट थे वो क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। तो अब हम पहले इनकी इन डी ऑर्बिटल्स की शेप पढ़ेंगे। शेप पढ़ने के बाद हम, क्योंकि ये जो डीजनरेसी है, ये स्प्लिटिंग है, ये डिपेंड करेगी कि कौन सी स्ट्रक्चर्स में लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं, और इन डी ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो कैसी है, मीन्स डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग दो बात पे डिपेंड करेगी। किस किस बात पे डिपेंड करेगी? एक तो इन डी ऑर्बिटल्स की शेप, और दूसरा इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है इसकी ज्योमेट्री के ऊपर। तो अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। एनायन को पॉइंट चार्ज माना है। क्या माना है? पॉइंट चार्ज। जब एनायन मीन्स लिगेंड एनायन होगा तो वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, और जब लिगेंड न्यूट्रल होता है तो डाइपोल्स बनते हैं इसमें, और डाइपोल्स में भी ये हमेशा मेटल के कांटेक्ट में नेगेटिव डाइपोल्स की तरफ से आता है। इस तरीके से डाइपोल्स बनेंगे, एक साइड नेगेटिव चार्ज सेपरेट रहेगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और ये नेगेटिव चार्ज जब मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो मेटल के भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मेटल के ऑर्बिटल्स में भी, तो इनके बीच में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। इस रिपल्सन के कारण डी ऑर्बिटल्स में रिपल्सन जो है वो पांचों डी ऑर्बिटल्स में इक्वल एक्सटेंड में नहीं होता है, इसलिए ये डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाते हैं?
स्प्लिट हो जाते हैं, रिपल्सन नॉट इक्वल एक्सटेंट। जब इक्वल एक्सटेंट में नहीं होगा तो ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, ये डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन डी ऑर्बिटल्स की शेप देखते हैं। पांच होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स के नोब्स जो हैं वो प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, इन बिटवीन प्लेन, प्लेन के बीच में होते हैं। इन बिटवीन प्लेन एक्स वाई, एक्स वाई प्लेन के बीच में होगा, वाई जेड, वाई जेड प्लेन में होगा, जेड एक्स, जेड एक्स प्लेन में होगा। डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होंगे, अलोंग एक्सिस। और डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस के अलोंग होगा। इसका मतलब ये जो दो हैं ये तो एक्सियल ऑर्बिटल्स कहलाएंगी, भी एक्सिस पे है इसलिए इन ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाएगा, एक्सियल ऑर्बिटल्स कहा जाएगा। और ये तीनों ऑर्बिटल्स नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कहलाती हैं। नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स कहलाते। अब यदि लिगेंड्स, ध्यान से सुनना, अब ये तो था इनकी शेप, देखना चाहोगे तो आप देख भी सकते हो, ये एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री के एंगल पे। मेरे पास यहां पे 2D है इसलिए मैंने यहां पे तीनों एक्सिस अच्छे से नहीं दिखाई देती है। अब हम बात करें डी एक्स वाई की, ये एक्स वाई प्लेन है, ये रहेगा, ये भी एक्स वाई प्लेन होता है तो ये इस तरीके से रहते हैं, मीन्स इन प्लेन के बीच में। वाई जेड प्लेन मीन्स ये ऐसे रहेंगे, वाई जेड वाले प्लेन, ये इस तरीके से प्लेन के बीच में रहते हैं, जबकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये एक्स और ये वाई, ये इस तरीके की नोब्स होती है, एक्सिस पे है, एक्स पे और वाई पे। डी जेड स्क्वायर वाली बात करेंगे हम तो डी जेड के ऊपर रहती है और एक रिंग की फॉर्म में रहती है, तो ये इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी बात करें तो यहां पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे मिलेगी, एक्सिस पे, और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होती है, प्लेन में होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स, जो लिगेंड्स एक्सिस पे आते हैं तो वो एक्सियल ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपेल करेंगे, और जो लिगेंड्स प्लेन पे आते हैं तो वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपेल करेंगे। अब हम सबसे पहले जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ेंगे हम ऑक्टाहेडल ऑर्बिटल्स की, ऑक्टाहेडल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। स्प्लिटिंग तो आपको समझ में आ गई होगी कि स्प्लिटिंग कैसे होती है, अब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तो अब हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल
फिल्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है वो पढ़ते हैं। देखो अभी मैंने बताया कि डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग है वो दो बातों पे डिपेंड करती है। पहली कौन सी थी? शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स और दूसरा डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि जो लिगेंड्स हैं वो कहां पे प्रेजेंट हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, हम सबको पता है। और ये 6 के 6 जो लिगेंड्स होते हैं ये एक्स वाई और जेड एक्सिस पे होते हैं। मींस 6 के 6 लिगेंड्स इन एक्सिस के ओरिजन पे, हम ये ओरिजन है यहां पे तो हम हमारा सेंट्रल मेटल मानते हैं कि हमारा सेंट्रल मेटल जो है वो इनके ओरिजन पे प्रेजेंट है। और इन एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे एक लिगेंड और माइनस एक्सिस पे एक लिगेंड, वैसे ही वाई एक्सिस पे एक लिगेंड और माइनस वाई एक्सिस पे एक लिगेंड, जेड एक्सिस पे एक लिगेंड और माइनस जेड एक्सिस पे एक लिगेंड। हो गए 6 के 6 लिगेंड। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड्स जो है वो इन एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें इस सेंट्रल एटम के, मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स की। डी ऑर्बिटल्स में अभी हमने शेप देखी कि ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं और एक होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स। जो एक्सियल पे है मींस डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, वो लिगेंड के ज्यादा पास में है और उनमें ज्यादा रिपल्सन होगा। जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये क्या है? लिगेंड के ज्यादा पास में है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कहां पे है? इन एक्सिस पे प्रेजेंट है। और एक्सिस पे प्रेजेंट है तो एक्सियल ऑर्बिटल्स जो है वो लिगेंड के ज्यादा पास में होंगे। लिगेंड के पास में है, नियर टू लिगेंड, और जब लिगेंड के पास में होंगे तो इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन क्या होगा? मैक्सिमम। अब जब रिपल्सन मैक्सिमम होगा तो इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? हाई एनर्जी हो जाएगी। हाई एनर्जी हो जाएगी। और ऑक्टाहेड्रल में ये दो ऑर्बिटल्स हैं इसलिए ऑक्टाहेड्रल में इनको इजी कहा जाता है। डबल डीजनरेट रहते हैं। डबल डीजनरेट मींस दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिमिलर होना, डबल डीजनरेट है और इनको इजी कहा जाता है जीरेड। ऑक्टाहेड्रल जो है उनके आप ग्रुप थ्योरी में इनके लिए जीरेड यूज किया जाता है। सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरेड यूज किया जाता है। तो इन डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को क्या नाम दिया? इजी। और इनकी एनर्जी कैसी होगी? हाई एनर्जी होगी। अब बात करें नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की। कौन से की? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये कहां है? इन यहां पे है, प्लेन्स में है। तो इन प्लेन के बीच में है, मतलब एक्सिस के बीच में है,
तो इन पे रिपल्सन क्या होगा? मिनिमम रिपल्सन होगा, मिनिमम रिपल्सन होगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। मिनिमम रिपल्सन बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है, रिपल्सन कम हो रहा है, सॉरी, रिपल्सन बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, और रिपल्सन कम होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये हमें पता है, मीन्स अट्रैक्शन फोर्स से स्टेबिलिटी बढ़ती है, रिपल्सन फोर्स से स्टेबिलिटी कम होती है। तो जब रिपल्सन फोर्स बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ जाती है, और जब रिपल्सन फोर्स कम होता है तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो ये कैसे मिलेंगे हमें? मिनिमम एनर्जी के। कैसे मिलेंगे? मिनिमम एनर्जी के। मिनिमम एनर्जी मीन्स ये अपने जो एनर्जी विदाउट डिजनरेट मीन्स विदाउट स्प्लिटिंग वाले ऑर्बिटल्स थे उनसे कम एनर्जी के हो जाएंगे, उनसे कम एनर्जी के हो जाएंगे। और ये कितने हैं? ट्रिपलेट। तीन ऑर्बिटल्स एक साथ मिल रहे हैं, ट्रिपलेट डिजनरेसी है, इसलिए इसको क्या कहा गया? T2G। किस फॉर्म में डिनोट किया गया इसको? T2G। ऑक्टाहेड्रल में अब हमारे पास डी ऑर्बिटल्स कितने पार्ट में स्प्लिट हो गए? दो पार्ट में। तीन ऑर्बिटल्स तो T2G लोअर एनर्जी के बन गए, और दो ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी के बन गए, इजी। ये पांचों ऑर्बिटल्स डीजनरेट है, सिमिलर एनर्जी है, इसको हम, ये मेटल आयन है। जब इंडिविजुअल था, जैसे ही इसके चारों ओर क्रिस्टल फील्ड क्रिएट होना शुरू हुआ, क्रिस्टल फील्ड किसके कारण आता है? लिगेंड्स के कारण, लिगेंड्स के एनायन के कारण जो फील्ड क्रिएट होता है उसको हमने क्या बोला? क्योंकि ये किससे आया है, इनकी तुलना किससे की गई है? आयनिक सॉलिड से की गई है, और आयनिक सॉलिड्स में जो आयन्स के चारों ओर जो फील्ड क्रिएट होता है उसको क्या कहा जाता है? आयनिक फील्ड, क्रिस्टल फील्ड। तो जब क्रिस्टल फील्ड के कांटेक्ट में आते हैं ये, तो इनकी एनर्जी जो है एक इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है। एनर्जी स्प्लिट हो जाती है। तीन ऑर्बिटल्स, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, जिनमें रिपल्सन कम हो रहा था, DXY, DYZ और DZX, यहां पे रिपल्सन मिनिमम होगा, एनर्जी भी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एनर्जी कम, मिनिमम रिपल्सन, मिनिमम रिपल्सन। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? T2G से। क्या T2G को क्या मतलब है? ट्रिपलेट डिजनरेट ऑर्बिटल्स। जी जीरेड के लिए काम में लिया जाता है, जो और ऑक्टाहेड्रल होते हैं उनको हम जीरेड की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उनकी सुमेट्री जीरेड और अनजीरेड दो तरीके के होते हैं। ऑक्टाहेड्रल में चारों तरफ से सुमेट्री इक्वल होती है, इसलिए इसको जीरेड कहा जाता है। उसके बाद दो एक्सियल ऑर्बिटल्स थे, DX² Y² और DZ², इनमें रिपल्सन मैक्सिमम था, रिपल्सन मैक्सिमम था, तो इनकी एनर्जी हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स बन गए, और हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स बन गए, और इनको क्या कहा गया? इजी ऑर्बिटल्स कहा गया। ये क्या है? डबल डिजनरेट। मीन्स दो ऑर्बिटल्स है इसलिए इसको डबल डीजनरेट, यहां तीन ऑर्बिटल्स है इसलिए ट्रिपलेट डीजनरेट कहा गया। क्लियर? यहां से यहां तक की ये जो एनर्जी होती है, जो इनके एनर्जी डिफरेंस आ रहा है इन ऑर्बिटल्स में, जो स्प्लिटिंग हो रही है, इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा गया। क्योंकि किसके कारण आ रही है? ये क्रिस्टल फील्ड के कारण आ रही है, क्रिस्टल फील्ड के कारण स्प्लिट हो रहे हैं, तो इसको क्या कहा गया? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसको हम डेल से डिनोट करते हैं,
और ऑक्टाहेड्रल है तो डेल ओ से डिनोट किया जाता है। ऑक्टाहेड्रल है तो किससे डिनोट किया जाता है? डेल ओ से डिनोट किया जाता है। क्लियर यहां तक? यहां तक की एनर्जी, यहां से यहां तक की एनर्जी, यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है 3/5 डेल ओ, और यहां से यहां तक की जो एनर्जी होती है चेंजेस वो 2/5 डेल ओ। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया? इन दोनों में डिफरेंस 1 डेल ओ आया। इस एनर्जी को क्या कहा गया? क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहा गया। इसी डेल ओ नॉट जो है वो टेन डी क्यू के इक्वल होता है। ये डी क्यू जो है ये क्वांटम थोरीज किससे निकाला गया है? एक क्वांटम थोरी का एक सिंबल होता है जिसको टेन डी क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से यहां तक की एनर्जी जो होती है वो +0.6 डेल ओ होती है, और यहां से यहां तक जो आया एनर्जी, इसलिए मैं माइनस भी कम हुई है, यहां एनर्जी जुड़ी है, तो ये एनर्जी 0.6 डेल नोट से भी डिनोट कर सकते हैं, और यहां से यहां एनर्जी 0.4 डेल ओ से डिनोट कर सकते हैं। तो देखो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? वही 1 डेल ओ डिफरेंस हो गया, और ये एनर्जी क्या कहलाती है? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाती है। किसके लिए? ऑक्टाहेड्रल के लिए। कितनी आती है? डेल ओ। क्लियर? यहां से यहां तक की स्प्लिटिंग जो है वो 0.6 डेल ओ, और यहां से यहां तक की जो एनर्जी डिफरेंस है वो -0.4 डेल ओ। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, और उन इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे जैसे जैसे हमारे पास ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू आती जाएगी, वैसे वैसे हम बताते जाएंगे कि इनकी स्टेबिलिटी, ये स्टेबल बनेंगे अनस्टेबल बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब एनर्जी डिक्रीज होगी, क्या होगी? एनर्जी डिक्रीज होगी किसी भी सिस्टम की, तो क्या आ जाता है? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अब हम अगली क्लास में इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरना सीखेंगे, पहले हम टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग सीखेंगे और स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग सीखेंगे, उसके बाद इस स्प्लिटिंग के एप्लीकेशंस स्टडी करेंगे। एप्लीकेशंस में ये आएगा कि इस स्प्लिटिंग के कारण कलर शो हो रहे थे, बताया था आपको कि वीबीटी ने ये डिफाइन नहीं किया, क्योंकि कलर जो होंगे वो किसके कारण होंगे? एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशंस के कारण। एनर्जी अब्सॉर्ब की, हायर एनर्जी स्टेट में गए। अब वहां पे वीबीटी ने ये डिफाइन नहीं किया, क्योंकि वीबीटी ने तो इन डी ऑर्बिटल्स के साथ क्या बनाया था? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए थे, मीन्स इसके पास कोई स्प्लिट ऑर्बिटल्स थे ही नहीं वीबीटी के, तो उसकी ड्रॉबैक रह गई थी। यहां पे तो क्या आ रहे हैं? स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स आ रहे। इन स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स में डी डी ट्रांजिशन होता है, जिससे हमें क्या शो हो जाता है? इनका कलर शो हो जाता है। तो ये सब बातें मीन्स हम इस सी एफ टी की एप्लीकेशंस भी स्टडी करेंगे। थैंक यू।